नेपाल की पहाड़ी एवं भारत के तराई क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नेपाल की नदियां उफान पर हैं, जिससे महाराजगंज जनपद के नौतनवा एवं निचलौल तहसील क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं निचलौल क्षेत्र के ग्राम सभा बकुलडीहा का पुल देखते ही देखते टूट गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन ठप्प पड़ गया। मुख्य रास्ता बंद होने से कई गांवों का संपर्क तहसील एवं जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल की पहाड़ी एवं भारत के तराई क्षेत्र में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नेपाल से भागकर भारतीय क्षेत्र में आने वाली कई नदियां व नाले उफान पर है। नेपाली नदियों के उफान से महाराजगंज जनपद के नौतनवा एवं निचलौल तहसील क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं आज सुबह बाढ़ के पानी के दबाव से निचलौल तहसील क्षेत्र के बकुलडीहा ग्राम सभा क्षेत्र को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर बना पुल पानी के तेज बहाव के कारण टूटकर बह गया, जिससे ग्रामीण काफी चिंतित हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण उनका गांव पानी से घिर गया है। अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई है। अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। और क्या कुछ आर्थिक रूप से अभी तक नुकसान हुआ? आर्थिक रूप से नुकसान, जैसे यहाँ बाढ़ का पानी जो है 5 से 6 बजे सुबह घुसा है और सुबह से लोग मान के चलिए यहाँ जो है भोजन पानी बनाने के लिए एकदम बिल्कुल परेशान है। गांव में पानी घुस गया है और ये लक्ष्मी नगर ग्राम सभा में श्याम काट और तिसुरी खजुरिया सेमरा ये सब गांव जो है काफ़ी प्रभावित हैं। खजुरिया इधर कितने ऐसे गांव है जहाँ पे एकदम पूरा गांव में पानी घुस गया है, लोगों के घरों तक पानी चला गया है। अब ये खजुरिया में उसको श्याम काट और रेहरा पिपरहिया सेरहिया और परसा सुमाली में प्रशासन के द्वारा किस तरह से मदद की जा रही है और क्या प्रशासन यहाँ पे आया था बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने? जी प्रशासन के द्वारा मदद किया जा रहा है, लेकिन ये कि यहाँ अभी तक कोई NDRF की टीमें कोई अभी तक यहाँ नहीं पहुँची, जिससे कि मान के चलिए प्रशासन सुनने में आ रहा है कि उस पार से ये नेपाल के से सटा हुआ देश है मतलब नदी है और उस पार से कई लाशें भी आ रही हैं, कुछ भी सामानें आ रही हैं, क्या ये सही है? जी जी क्या जी लाशें आ रही हैं और उधर से मतलब घरेलू जैसे TV हो गई और तमाम सारी चीज़ें जो है सिलेंडर ये सारे बह के आ रहे हैं और लाशें काफ़ी आ रही हैं। अभी किस तरह की स्थिति है जो आप लोग देख रहे हैं? स्थिति अभी तो मान के चलिए नॉर्मल, धीरे धीरे हो रहा है। में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में महाराजगंज जनपद के चंदन घोघी प्यासी महाव और रोहिन में पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है, जिससे कि बाढ़ की संभावना बढ़ गई है और कुछ कुछ दर्जनों गांव ऐसे हैं हमारे निचलौल और नौतनवा तहसील में जिसमें कि पानी बढ़ गया है और बाढ़ की संभावना बनी हुई है और कुछ कुछ जगहों पर ऐसी भी जो हमारे रोड हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे संपर्क मार्ग भी टूट गया है। प्रशासन के सभी लोग और सिंचाई विभाग के और पुलिस के लोग लगे हुए हैं, इसमें राहत एवं बचाव कार्य का कार्य तेज़ी से चल रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है और उनको राहत सामग्री बांटी जा रही है। सर निचलौल क्षेत्र के बकुलडीहा गाँव में बकुलडीहा गाँव का पुल टूट गया है, वहाँ के लोगों का संपर्क मार्ग टूट गया, प्रशासन द्वारा किस तरह का कार्य किया जा रहा है? SDM वहाँ पर विजिट करके अभी आए हैं और वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह पर सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि जो भी लोग संपर्क मार्ग टूटने से उस तरफ रह गए हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाए और फिर उनको राहत एवं बचाव के कार्य उनके लिए किए जाएंगे। तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग के द्वारा पुलिस के कर्मियों के द्वारा वो उसमें राहत एवं बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।